नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। बड़ा पाव महाराष्ट्र की रेसिपी है और बॉम्बे में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला स्ट्रीट फूड है। आज हम बड़ा पाव बनाएंगे, तो आइए देखें बड़ा पाव बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये चार पाव ले लिए हमने और तीन उबले हुए आलू लिए हैं, दो तीन टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ और एक चौथाई छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। एक चौथाई छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई छोटी चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड, एक चौथाई छोटी चम्मच जीरा, 8-10 करी पत्ता, एक छोटी चम्मच नींबू का रस, एक छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और एक पिंच हींग। ये सारी चीज़ें हमें आलू के बॉन्डे बनाने के लिए चाहिए और ये चीज़ें हमें चाहिए बेसन का बैटर बनाने के लिए। एक कप बेसन, एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, एक पिंच बेकिंग सोडा, एक पिंच हल्दी पाउडर और तेल बॉन्डे तलने के लिए। तो सबसे पहले हम बेसन से बैटर तैयार करेंगे। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बेसन की गुठलियाँ ख़त्म होने तक हम पहले इसे घोलेंगे। बेसन में हम 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर भी मिला सकते हैं जिससे बॉन्डे और भी क्रिस्प बनते हैं। बैटर हमें पकौड़े के घोल जैसा गाढ़ा रखना है, पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है लेकिन ज़्यादा पतला नहीं करना। ये लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और ये बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे से भी बॉन्डे बहुत क्रिस्प बन के तैयार होंगे। और अब हम इसे 3-4 मिनट तक अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये बैटर हमने अच्छे तरीके से फेंट के तैयार कर लिया है और इतना बैटर बनाने में 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। तो ये बैटर को हम रख देते हैं और बॉन्डा बनाने के लिए आलू हम छील लेते हैं सबसे पहले और अब हम इनको फ्राई करेंगे, मसाला मिला लेंगे सारा। तो पैन हम गरम कर लेते हैं और पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। आलू को बारीक तोड़ लेते हैं। तेल गरम हो गया है, तेल में हम राई डाल देते हैं। राई क्रैकल हो गई है, जीरा डाल देते हैं, जीरा भी भुन गया। हींग डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे, और ये करी पत्ता भी थोड़ा सा तोड़ करके डाल देंगे। हल्दी पाउडर भी डाल देते, मसाले भून गए हमारे और अब हम ये बारीक तोड़े हुए आलू डाल देंगे। नमक डाल देंगे और ये लाल मिर्च भी डाल देते हैं और भूनते हुए सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मसाले हमने मिक्स कर दिए, गैस बंद कर देते हैं और हरा धनिया भी डाल देते हैं और ये नींबू का रस भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये बॉन्डे के लिए आलू तैयार हो गए। प्याले में निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। हमें ना बड़ा पाव के लिए चटनियाँ भी चाहिए, तो हरे धनिया की चटनी हमारे पास तैयार है और मूंगफली की चटनी हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने भुने हुए 1/2 कप मूंगफली के दाने लिए हैं, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर है और 1/2 छोटी चम्मच नमक है,
दो पिंच हींग है और लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच, आधा छोटी चम्मच जीरा है। तो फटाफट चटनी बना के तैयार करते हैं। पैन हमने गरम कर लिया है और पैन में हम जीरा डाल के हल्का सा भून लेंगे। जीरा चटकने की आवाज़ आ रही है, बहुत जल्द भून जाता है जीरा। गैस बिल्कुल धीमी रखेंगे और इसी में अब हम ये हींग डाल देंगे, बल्कि और ये मूंगफली के दाने भी डाल देते हैं। रोस्टेड छिले हुए दाने हैं, हल्का सा और रोस्ट कर लेंगे। गैस बंद कर देते हैं और अब हम चटनी को पीस लेते हैं। ये मूंगफली के दाने, हींग जीरा मिक्स हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। लाल मिर्च भी डाल देते हैं। अगर अपने पास साबुत लाल मिर्च है तो साबुत लाल मिर्च रोस्ट करके ले सकते हैं। नमक डाल देंगे और अमचूर पाउडर भी डाल देंगे। ये हमारी सूखी मूंगफली के दाने की चटनी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम आलू के गोल गोल बॉल बना के तैयार करते हैं। इधर हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तो बिल्कुल टेबल टेनिस की जैसी बॉल होती है या एक मीडियम साइज के नींबू के बराबर हम बॉल बना लेंगे। ये बॉल बना के हमने तैयार कर ली। तेल गरम हो गया है और अब हम आलू के बॉन्डे तलते हैं। तो एक आलू की बॉल उठाएंगे, बेसन में डिप करेंगे और गरम तेल में डाल देंगे। बॉन्डे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। और ये बचे हुए आलू के बॉल को भी इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेते हैं। ये बॉन्डे भी अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, निकाल लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं। और अब हम बड़ा पाव बनाते हैं। तो एक पाव ले लेंगे और पाव को इस तरीके से काट लेंगे। खोलेंगे और एक तरफ हम ये सूखी मूंगफली की चटनी लगा लेंगे और दूसरी ओर हरे धनिया की चटनी लगा लेंगे। और एक बोंडा उठाएंगे और इसके अंदर डाल करके और ये इस तरीके से प्रेस कर देंगे। बड़ा पाव तैयार हो गया। बड़ा पाव खाने के लिए तैयार हैं। और ये आलू बोंडा आप ऐसे ही चटनी से खा सकते हैं और सारे पाव इसी तरीके से बनाकर तैयार करने हैं। गर्मा गर्म बड़ा पाव तैयार है और बहुत ही स्वादिष्ट बड़ा पाव बने हैं। बड़ा पाव को हरे धनिया की चटनी, टमाटो सॉस या जो भी चटनी आपको पसंद है उसके साथ आप परोसिए। आप बड़ा पाव बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।